मुरादाबाद में महिला की संगीन परिस्थितियों में मौत, माई के वालों ने लगाया ससुराल पर आरोप, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस ने अपहरण का खुलासा किया, अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मेरठ में मंडप में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल हुए, उपचार के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ पुलिस को मिली सफलता, मोबाइल लूटने वालों को किया गिरफ्तार। मेरठ पुलिस को मिली सफलता, लूट के गिरोह के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुरैना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध मदिरा का परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडे, कई लोग घायल, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी में DMSP ने निकाली बाइक रैली, लोगों को किया जागरूक। बिलारी में जांच करने पहुंचे समाज कल्याण अधिकारी, जांच पड़ताल में सामने आई कई खामियां। गंगों में भाकियों पदाधिकारियों की बैठक, भाकियों करेगी 27 जून को अनिश्चितकालीन आंदोलन। बिलारी में मारपीट का वीडियो वायरल, महिला को घसीट रहे कई लोग। बुलंदशहर में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर क्षेत्र में फैली सनसनी। बुलंदशहर में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मुरादाबाद देहात में फिर दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार ने बच्चे को मारी टक्कर। मुरादाबाद में ट्रक ने इनोवा कार में मारी टक्कर, बड़ा हादसा होने से टला। मुरादाबाद में युवती का अपहरण के बाद पिता को पीट पीट कर मार डाला, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जहांगीराबाद में ADG ने बुलंदशहर पहुंचकर कावड़ यात्रा का लिया जायजा। गाजियाबाद में रेन वाटर होस्टिंग के कवायद तेज, अब नहीं होगी पानी की किल्लत। मुरादाबाद में CNG ऑटो रोडवेज बस में भिड़क, 3 की मौत, 2 को घायल। शाहबाद में हाथ गोल मिलने से क्षेत्र में सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। रामपुर में बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। कौशाम्बी जनपद को मिली 6 नई एम्बुलेंस की सौगात।